तो भाइयों आज मैं बात करने वाला हूँ गॉड्स ऑफ क्रिकेट की, और आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि ये गेम जो है वो कब तक रिलीज होने वाला है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही ट्रेलर देखने को मिला है, उसके बाद हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। उसी के साथ ही कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस गेम की, और थोड़ी सी फ्यूचर के बारे में भी आप सभी लोग बताऊंगा कि इस गेम के अंदर क्या कुछ फ्यूचर भी आने वाला है। तो ये वीडियो को पूरी एंड तक देखना अगर आप सभी लोग भी जानना चाहते हो कि गॉड्स ऑफ क्रिकेट के अंदर क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना। कि भाई हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाला आइकन को दबा के जरूर से कर दीजिए। तो चलिए अभी कर देते हैं इस वाली वीडियो को शुरू। तो भाइयों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गॉड्स ऑफ क्रिकेट ने अपना ऑफिशियली एक तगड़ा सा यानी कि आप सभी लोगों को ट्रेलर देखने को मिला है इस गेम के अंदर। अब देखिए ये ट्रेलर आए हुए बहुत टाइम हो चुका है, बट अभी भी लोग कह रहे हैं कि गेम कब तक रिलीज हो रहा है। अब देखिए रिलीज डेट की बात तो मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ फीचर की बात करते हैं जो कि इस गेम के अंदर न्यू है। ये अनोखे ही फीचर है। सबसे पहला आता है भाइयों 11 vs 11। ये जो है भाई मेरा थोड़ा सा समझ से परे है, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा है कि हम 11 प्लेयर 11 vs 11 खेल सकते हैं सामने सामने, क्योंकि बाकी गेम के अंदर आप सभी लोगों को देखा होगा 2 vs 2 ऐसे चैलेंज होते हैं, लेकिन ये गेम के अंदर जो है हम 11 खिलाड़ी 11 एक साथ खेल सकते हैं। सामने भी 11 खिलाड़ी ऑनलाइन होंगे और यहाँ पर भी हम अपनी टीम लेकर जाके खेल सकते हैं, यानी कि कंट्रोल अपने तरीके से करेंगे हर एक प्लेयर को। अब ये थोड़ा सा मेरी समझ से जैसा कि मैंने बताया कि परे, बट ये जब आएगा फ्यूचर तब पता चल जाएगा। अगर भाई यहाँ पर ऐसा होने वाला जैसा मैं सोच रहा हूँ तो भाई ये क्रिकेट कम्युनिटी में एक नया ही धमाका होगा, क्योंकि आज तक किसी गेम ने 11 vs 11 वाला फ्यूचर डाला ही नहीं है। अब देखिए दूसरे फीचर तो इस गेम के अंदर जैसे कि करियर मोड वगैरह इस गेम के अंदर हमें देखने को मिलने, ये जो है कंफर्मेशन ही है, बट अभी भी कुछ फीचर है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि गेम के जो ग्राफिक है वो हमें ट्रेलर के अंदर एकदम तगड़े देखने को मिले, एकदम हमें ऐसा लगा ही नहीं है कि ये कार्टून टाइप है, ये एकदम ही रियलिस्टिक ही हमें प्लेयर देखने को मिल रहे। बट यहाँ पर मैं बता दूँ कि ऐसे ग्राफिक जो है शायद हमें एंड्रॉयड के अंदर ना देखने को मिले, लेकिन हाँ ये गेम बाकी चीज़ें जैसे कि पीसी वगैरह में भी लॉन्च होने वाला है तो वहाँ पर हमें ऐसे ग्राफिक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मोबाइल के अंदर इसका कुछ अलग ही सीन हो सकता है। तो अगर आप सभी लोग ये सोच रहे हो कि मोबाइल के अंदर भी हमें ऐसे ग्राफिक देखने को मिलेंगे तो आप गलत सोच रहे हो। अभी भाइयों देखिए इस गेम के अंदर अभी तो ज़्यादा कोई फीचर नहीं देखने को मिले, लेकिन इसके अंदर 2 ही मोड देखने को मिलने वाला है, और जिसमें से एक करियर मोड होगा और बाकी जो भी हमारे ये कोच वगैरह वाला जो भी होने वाला है वही होने वाला है। उसी के साथ ही बता दूँ गेम ऑलमोस्ट बहुत टाइम निकाल रही है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि अभी भी ये गेम जो है आपको लेट देखने को मिल सकता है। जैसा कि बताया भाइयों टाइम ले सकता है ये गेम, लेकिन हाँ जिस तरीके से CDS क्रिकेट गेम, ड्रीम क्रिकेट 24 हम फाइल वगैरह से खेल रहे थे आप सभी लोगों को पता ही है, तो इस गेम के साथ भी ये सीन हो सकता है, क्योंकि CDS क्रिकेट गेम अभी तक प्ले स्टोर पर आया नहीं है, बट CDS क्रिकेट गेम के वो हमने खेल लिया, आप सभी लोगों को पता ही है कि ये फाइल वगैरह से डाउनलोड करके खेल लिया है, तो ऐसा भी इस गेम का सीन हो सकता है, क्योंकि CDS क्रिकेट गेम का फाइल आए हुए बहुत टाइम हो चुका है और अभी तक जो है प्ले स्टोर के अंदर गेम आया ही नहीं है, तो ये भी शायद इस गेम के साथ हो सकता है। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है। बाकी रिलीज डेट जो है मेरे को अभी तक कंफर्मेशन पता नहीं है, जो है वो मैं अपनी प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ शायद 2025 तक गेम जा सकता है। अब देखते क्या कुछ होता है, आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो बता दूंगा। और भाइयों यही था आज की इस वाली वीडियो के अंदर, और अगर ये वीडियो जरा से भी आपको पसंद आई है तो भाई लाइक जरूर से कर देना, चैनल में न्यू आ रहे हो पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला आइकन को दबाकर और बेल आइकन जरूर से कर देना। खुश रहना, ख्याल रखना अपना। जय हिंद जय भारत।